ये जम्मू के छपरी है ना, और अभी हम जा रहे हैं सिनान के पास। इसकी क्या बैंड बजा दी, अभी हम करेंगे टोचन। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह के रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का हम व्लॉग करते हैं ये शुरू। और जिसने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। लागे ला नजदीक लाओ, लेकिन लंबी होनी चाहिए थी है ना। अभी हम करेंगे टोचन इसको, तो देख ऐसे कि ये भी खराब भी ना हो, कुछ नहीं होगा इसको यार, थोड़ा पानी दे यार, हाथ होगा। फिलहाल इसका टोचन हमने कर दी है, यहाँ से वहाँ बांधने के लिए बहुत ज्यादा मिसिंग कर रही है। ऑयल भी पूरा है, प्लग का इशू है, क्या सेल अप नहीं ले रही। प्यार से लेना, ब्रेक नहीं देना, ब्रेक नहीं देना, ध्यान 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 दे पीछे, ब्रेक मत दियो ऐसे हुए झटका लग जाएगा। फिलहाल अभी हाईवे पे पहुंच चुके हैं हम, एंड सुजुमा से यहाँ तक बड़ा टाइम लग गया यार। ऐसे हम डर भी से लगता है कहीं ज्यादा अगर मैं मोड़ जाऊँ और गाड़ी और पिछला ब्रेक कुछ दे तो फिर गाड़ी मेरी भी उल्टी हो सकती है। रिस्क तो बहुत ज्यादा है, बट फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री आई थिंक ऐसा हो रहा है। और मैंने जो लाइट्स लगाई है साइड पे ना, ये लाइट्स ऐसे एक चल रही है दूसरी चल रही है, ये भी मुझे दिखानी थी। मेन काम तो मुझे गाड़ी का यही था, बाइक का क्या क्या इनका मोड़ गाड़ी मिसिंग कर रहा है। घर तो पहुंच गई थी, जब वापसी जाना पड़ा तो कुछ स्टार्ट नहीं हो रही है, प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। आराम आराम चला देना साइड रख के। और अभी हम जा रहे हैं सिमन के पास, उससे मिलने जा रहे हैं, उसके बाद थोड़ा तो काम हो जाएगा। ये एकदम मस्त रिएक्शन मिल रहा है भाई लोग, जो भी RS 200 जो लेने में जो इंटरेस्टेड होंगे आप DM कर सकते हो मुझे, आप इंस्टाग्राम पे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में मुझे आप DM कर सकते हो। आप जो भी लेने में इंटरेस्टेड होगा, मैं अपनी ये बाइक को सेल कर रहा हूँ, अभी तक 2100 किलोमीटर टोटल चली है एंड फुल फ्लैश एकदम न्यू है भाई। भाई लोग अभी हम एक न्यू ड्रीम बाइक एक अपना लेने की हम सोच रहे हैं। आज मौसम एकदम मस्त है, दो दिन से बिल्कुल बारिश हो रही थी, और अभी हम जा रहे हैं बिल्कुल घूमट वाली साइड एंड जल्दी से काम हो जाए। वैसे अगर इस गाड़ी का काम अगर नहीं हुआ अपने भाई की गाड़ी का, तो हम उसको वहीं पे छोड़ देंगे सिमन के पास, हम आ जाएंगे इस वाली बाइक को लेके वापस आ जाएंगे। अभी आप मुझे अपना गुजनगर ब्रिज के ऊपर, और यहाँ देख सकते हो हमेशा की तरह एकदम रौनक सी हो जाती है। शाम के समय में देखना पूरा इंडियन का ना पूरा ट्राई कलर का पूरा यहाँ पे बनाया हुआ लाइटिंग। अगर हम वापसी इधर से आए तो आई विल शो यू। नजदीक रख तेरा अपना इंडिया का झंडा मेरे को लहराता हुआ अच्छा लग रहा है ना। पिछली बाइक का वजन भी पड़ रहा है और अपनी बाइक का भी, और पूरे संभालना बड़ा मुश्किल होता है, पूरे हाथ में रैशेज पड़ चुके हैं क्योंकि आधे तरह टांग रखे चलाते हैं और उस पर ज्यादा खतर हो जाता है, अनबैलेंस जल्दी हो जाता है बंदा। इस पर देखो इजिली हम चला रहे हैं, पहले दूसरे गियर में और 10-20 से 30 की स्पीड में टोटल हम चला रहे हैं। और फाइनली अभी हम पहुंचने वाले हैं घुमट। फिलहाल बाइक जो पीछे बिल्कुल टो करके रखी हुई है, एक काम करते हैं यहाँ पे टो खोल लेते हैं, ऊपर मत पूछेंगे ये ठीक है, तो यहीं पे टो खोल लेंगे तो यहाँ से हम धक्का लगा के ले जाएंगे। ठीक है लेकिन मिशन रसन ने बड़ा साथ दिया, खुला नहीं हमारा ना, ना धक्का दूं धक्का एक काम कर, तू दिखा के आ जा, तब अपनी बाइक दिखा देता हूँ, लाइट दिखा देता हूँ ठीक है ओके। तो भाई अभी जाएंगे यहाँ से अपनी बाइक दिखाने के लिए सिमरन के पास, और जहाँ से मैंने कुंदन के पास अपने लाइटिंग से करवाई थी ना, तो अपनी लाइटिंग हम वहाँ पे चेक करवा लेंगे। ये पहुँच गए हम अपना कुंदन भाई की शॉप के ऊपर, हम पहुँच चुके हैं। सर क्या हाल है, ठीक हो? फोन आपका फोन क्या है, उठाया क्यों नहीं किया था? लाइट चेक करवाना, एक चल रही दूसरी चल नहीं रही यार, वो ये साइड लगाई साथ में, ये लाइट चल रही है ना वो नहीं चल रही, यहाँ से तारेंगे वायरिंग का इशू है, इसकी पूरी वायरिंग ना वायरिंग खराब हो गई थी, इसकी फिर नई फ्रेश वायरिंग लग जाएगी। फाइनली मैं यहाँ से फ्री हो चुका हूँ, इसमें थोड़ा वायरिंग ना जल गई थी, कहते हैं कि इसकी हाई वोल्टेज है और जिसकी वजह से ये थोड़ा वायरिंग का इशू पड़ जाता है, लेकिन लाइट के बिना ना बिल्कुल अजीब सी लगती थी मेरे को ये। एंड जब भी मैं इसको मतलब सेल करने का बोलता हूँ ना, तो हमेशा ये बड़ी स्मूथ चलना लग जाती है यार, कहीं ना कहीं तो सुन रही होगी बाइक मेरी ये। फिलहाल पहुँचा हूँ मैं कुछ ऐसी लोकेशन के ऊपर, बहुत टाइम के बाद अभी यहाँ मैं सिटी में आ रहा हूँ यार, पता डर से लगने लग रहा है सिटी आके, क्योंकि कब क्या चलाना चाहिए कोई पता नहीं है। ये जम्मू के छपरी है ना भाईगढ़, इन लोगों ने तो पूरा राइडिंग की बैंड बजा दी है। और अभी हम पहुँचे कुछ ऐसी कुछ लोकेशन के ऊपर, अरे भाई इस पेट्रोल पंप में हमेशा भीड़ रहती है भाई। तो फिलहाल मुझे बाइक लेके जाना है एंड पीछे का देखता हूँ रास्ता मुझे कहाँ से मिलेगा भाई, बाइक उसे हटने का, यहाँ से रास्ता मिल चुका है। अरे भाई बाइक वाली साइड तो जाने दो। एंड अभी ये पहुँचा अपना पेट्रोल पंप के पास, जहाँ पे इसका पेट मतलब बढ़ जाता है, फुल कर दो फुल। फाइनली अभी यहाँ से पेट्रोल वगैरह मैंने भर दिया हुआ है, 1000 का बिल्कुल टैंकी मेरी फुल हो गई है। जब इसका पेट्रोल का जब मुझे डंडे दिखते हैं ना पूरे भरी हुए, एकदम अच्छा सा लग जाता है। अभी जाएंगे हम वापस अपना घूमट, यहाँ पे बड़ा ट्रैफिक जाम लग गया, वाई और वाई और वाई बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, यहाँ के थोड़ा लगा हुआ है बहुत लगा हुआ है। ये पहुँचे अपने सिमरन के पास, देखते हैं यहाँ कहीं बाइक लगाई है भाई ने, अब इसकी क्या बैंड बजा दी पूरी बाइक की, क्या हाल है। अभी गाड़ी का काम हो ही रहा है, फिलहाल मैं ले आता हूँ स्टेशनरी वाला सामान।
फाइनली बाइक हो गई है ठीक। एक्चुअली में क्या हुआ ना, BS जो 6 गाड़ी है इसमें ज्यादा पेट्रोल वगैरह भरना नहीं चाहिए पूरा, जिसकी वजह से थोड़ा फॉल्ट होता है, ज्यादा मेरे को पता नहीं है। अरे वाह भाई, ये बड़ा मस्त लग रहा है ना, लाइक आपको लगता है कि आगे जब फास्ट टाइम तो मतलब आराम से लगाए, लगता है जब तेज हवा आएगी रुकेगा क्या, बड़ा क्या मस्त लग रहा है ना। क्या खाना है, गोलगफ्फे? कहाँ खाना है? अरे क्या लड़कियों वाले शौक पाले भाई। गोलगप्पे 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 कहाँ है रे बाबा? इधर सीख वाला है, बिरयानी वाला, फ्रूट वाला, बाबा इधर भी सीख वाला, इधर डोमिनोज मच्छी फ्राई नहीं है भाई, आ जाओ। हाँ जी, फाइनली हम पहुंच गए गुजर नगर एंड देख सकते हो यहाँ की लाइटिंग ब्रो, देख रहे हो यहाँ पे कलर चेंजिंग लाइट्स मैंने लगाई है एंड बहुत ज्यादा सुंदर दिखता है यहाँ पे। आई डोंट नो अभी कैसा क्या दिख रहा होगा, अभी रात का समय देख रहे हो लाइटिंग चेंज हो रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना भाई साहब। गोल कफे तो कहीं मिले नहीं, अब निकलेंगे सीधा घर। और फाइनली जो हमारी जो ट्रिप है वो 5 सितंबर से स्टार्ट हो रही है और 5 से 12 तक हम बिल्कुल कश्मीर में होंगे। तो कश्मीर में लाइफ में कभी नहीं किया हूँ, बाहर जा रहा हूँ और वहाँ के ब्लॉग्स बहुत ही अच्छे अच्छे बना के आपको दिखाएंगे हम, वहाँ के बहुत प्यारे ब्लॉग्स बनेंगे इंशाल्लाह और वो आपको देखने को जरूर मिलेंगे। और जिन्होंने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें। लाल पूंजे जी को लोकेशन भी मेरे हाथ में, ये लिफाफा यार बहुत ज्यादा पेन कर रहा है मेरे को, ये न्यू थार एकदम न्यू निकाली भाई, अभी तो रैपिंग वगैरह भी उतारी नहीं है। फिलहाल हम भी एक न्यू कार लेने वाले हैं एंड लास्ट व्लॉग आपने देखा ही होगा एंड उसका जो लॉन्च है जम्मू में 10 सितंबर को होगा। फाइनली पहुंचने वाला बिल्कुल घर। आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा ही लगा होगा एंड अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर देना, नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो, सी इन द नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन बाय बाय।